अहम खबर, हमास से जंग के बीच एक और बड़ी खबर, इसराइल ने अब रूस को भी घेरने की तैयारी कर ली है। इसराइल ने रूस को घेरने का बनाया प्लान, फिनलैंड को एयर डिफेंस सिस्टम देगा इसराइल, क्योंकि हमास के नेता आप जानते हैं रशिया से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में इसराइल ने तुर्की बतुर्की जवाब देने की ठान ली है, और इसके लिए ये फैसला लिया गया है कि फिनलैंड को एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा इसराइल की तरफ से। इसराइल के खिलाफ हमास के साथ खड़ा हुआ है रूस। रूस और फिनलैंड में चल रही है तनातनी, नेटो देश फिनलैंड के जरिए रूस की घेराबंदी। आप जानते हैं फिनलैंड मेंबरशिप ले चुका है नेटो की, और फिनलैंड के जरिए अब रूस को घेरने की तैयारी। और सबसे ज्यादा करीब सीमा से लगा हुआ स्वीडन और रूस, इसके प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से आप जानते हैं स्वीडन और फिनलैंड, रशिया इससे एक बड़ा थ्रेट परसीव करता है, खासतौर से इनके नेटो की तरफ इनके शिफ्ट और नेटो की तरफ इनके इंक्लाइन हो जाने की वजह से। और इसी वजह से अब फिनलैंड को एयर डिफेंस सिस्टम देकर रशिया का थ्रेट परसेप्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इसराइल, क्योंकि यही बात रूस की तरफ से इसराइल को महसूस कराई जा रही है। किसी जमाने में आप जानते हैं रशिया और इसराइल, इनके बीच में प्रॉक्सिमिटी मानी जाती थी, यहां की बेंजामिन नेतन्याहू और पुतिन एक दूसरे के साथ कॉर्डियल रिलेशन में समझे जाते थे, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम ने पूरे डायनेमिक्स चेंज कर दिए हैं। और यहां पर क्योंकि रूस मुलाकात कर रहा है हमास के लीडरशिप के साथ, इसीलिए अब उनको सबक सिखाने के लिए फिनलैंड को अपना एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात कर रहा है इसराइल।